तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो मेरा स्वागत है आप सभी की एक और नई घटिया वीडियो तो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर देना और ऐसा वीडियोस ना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो अंत करने से पहले आप सभी के लिए है एक छोटा सा बड़ा डिस्क्लेमर। तो देखिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, तो कृपया इस वीडियो को अपने दिल पे या फिर अपना किडनी पे या फिर अपना हार्ट पे मत लेना। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर वन की तरफ। तो इस सीन में जब पुष्पा की एंट्री होती है तो यहाँ पर देखना उसके हाथ की शेडो पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इस तरफ से आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये जंगल में लाइट कहाँ से आ रहा है रे बब्बा। जंगल में जहाँ पर शेरों के मॉनिटर करने के लिए कैमरा लगाया जाता है वहाँ के आसपास तो कोई भी लाइट नहीं रहता, बस वो कैमरा नाइट विजन मोड पे रहता ताकि शेरों को ये नेचुरल लगे, लेकिन यहाँ पर तो लाइट है रे बब्बा। तो इस सीन में ये रहा हमारा रिपोर्टर और ये है हमारा कैमरा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तब देखना कि कैमरा इस तरफ है लेकिन हमारा रिपोर्टर कहीं और देख रहा है। अब ये क्या है भाई? दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी, खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। पुष्पा का वो डायलॉग था ना कि वो झुकेगा नहीं इसलिए उसका शर्ट गिर गया, तो उसे झुक कर ना लेके ही भाग गया। तो इस सीन में जब इस टीवी के ऊपर डंडा पड़ा तब इस टीवी के अंदर का रिपोर्टर इसे देख के डर गया। अब ये क्या है भाई? शेरों के आंखों में रेटिना के नीचे एक टाइनी सर्विस रहता है जो नाइट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए रात में पशु पक्षियों की आंखें ग्लो करता है। लेकिन हमारा ह्यूमन आईज ऐसा नहीं है, तो फिर इस सीन में हमारे पुष्पा भैया की आंखें ऐसे ग्लो क्यों कर रहे हैं रे बाबा? इसका एक और मतलब हो सकता है कि डायरेक्टर इसकी मदद से हमें ये समझाना चाहता है कि अभी पुष्पा भैया भी जंगल की एक प्रेडिटर हो चुका है इसलिए उसका भी आंखें ग्लो कर रहा है। लेकिन ये तो मिस्टेक वीडियो है इसलिए इसे मिस्टेक में काउंट कर रहा। अगर हिडन डिटेल्स वाला वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बता देना। तो इस सीन में इस कार में आग लगा हुआ है और ये लोग कार की चारों तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इनको डर नहीं है कि ये कार ब्लास्ट भी हो सकता है? तो अगर एक बार ये कार फट गई ना तो फिर इन सब का भी। तो हमारे पुष्पा भैया क्या जंगल में नेल पॉलिश लेकर गए थे? क्योंकि पुष्पा भैया एक दो महीने से जंगल में है लेकिन उनका नेल पॉलिश देख के तो बिल्कुल नया लग रहा है और लगता है वो नेल पॉलिश के साथ नेल कटर भी ले गया था, इसीलिए उनका एक नाखून छोड़कर बाकी सब छोटा है। तो इतनी देर तक मेरा वीडियो तो कोई देखेगा नहीं, अगर आपने देखा है तो कमेंट में लिखो झुकेगा नहीं, जो सबसे पहले लिखेगा उसे मैं पिन कर दूंगा और पुष्पा मूवी की गानों का मिस्टेक देखने के लिए क्लिक कर दो।